हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक प्रीव्यूअर में। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे धमाकेदार एप्लीकेशन के बारे में, या फिर बोले तो प्रैंकफुल एप्लीकेशंस के बारे में, जिनका यूज करके आप डेली लाइफ में मतलब अपने फोन को मैनेज तो कर ही सकते हो और आपके लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हो सकता है इन ऐप्स का। आप बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते हो या फिर प्रैंक करना चाहते हो किसी पे, तो इन ऐप्स के मदद से आप इजीली ये सब चीजें कर पाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्क्रीनशॉट्स आपके फोन में बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जितने आपके फोटोज नहीं होते उससे ज्यादा आपके फोन में स्क्रीनशॉट्स होते हैं, तो इन्हें मैनेज करना तो बनता है यार। आप कहीं भी कुछ भी पसंद आता है फोन में, मींस जैसे कि आप स्क्रॉल कर रहे हो आप वेब पेज पे, तो आपको ये चीज पसंद आया तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, या फिर आप कोई मीम्स देख पढ़ रहे हो तो उसको पसंद आया तो वो भी स्क्रीनशॉट ले लिए, या फिर आप चैट किसी से कर रहे हो और आपको कुछ ऐसा मिल जाए या फिर वो कैसे ऐसा बोल देते तब भी स्क्रीनशॉट ले लेते हो। तो हाँ, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक ऐप है जिसका नाम है स्क्रीनशॉट गो। ये ऐप बेसिकली क्या करता है कि आपके फोन में बहुत सारे स्क्रीनशॉट है और अगर आप 10-12 दिन पहले स्क्रीनशॉट लिए हो और उसके बाद से धड़धड़ा के अपने बहुत सारा यूज किया हो स्क्रीनशॉट्स का, मींस स्क्रीनशॉट बहुत सारा लिया हो, तो आपको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उन स्क्रीनशॉट्स को कि उस दिन मैंने मतलब किस दिन मैंने क्या स्क्रीनशॉट लिया, मींस कौन सा स्क्रीनशॉट मैं ढूंढ रहा हूं या फिर क्या ढूंढ रहा हूं, उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपको उसके मतलब क्या लिखा है कुछ भी पता हो ना, तो ये ऐप आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। इस ऐप का नाम है स्क्रीनशॉट गो। ये मोजिला फायरफॉक्स जिसने बनाया उसने इस ऐप को भी बनाया है। आप इजीली इसमें स्क्रीनशॉट को ढूंढ सकते हो। तो कैसे, आपको बस इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, सेटिंग में जाके इसको परमिशन अलाउ कर देने हैं बस, और ऐप को ओपन कर देना। जैसे ही आप ऐप को ओपन कर दे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा। ऐसे इंटरफेस के बाद ऊपर आप ऑप्शन देखिएगा, वहां सर्च का ऑप्शन रहता है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हो तो वहां पे आपको जो भी वर्ड टाइप करना, मींस वैसा तरह का मीम, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए मीम्स के, तो आपको अगर उस वर्ड को याद है बीच में मतलब क्या लिखा हुआ था मीम में या फिर वेब पेज में या फिर चैट में, तो आप सिर्फ वहां ऊपर सर्च कीजिए। जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ लव, क्योंकि इस मतलब इस चीज का वर्ड का मेरे पास जितने भी स्क्रीनशॉट्स है वो मुझे मिल जाएंगे। वहां पे देख सकते हैं आप नीचे, वहां पे स्क्रॉलिंग मतलब सर्च हो रहा है कितने मेरे पास मीम मतलब स्क्रीनशॉट्स वैसे वैसे हैं। कुछ स्क्रीनशॉट जल्दी आ गए क्योंकि वो सब सेंस ले चुके हैं, और नीचे स्क्रीनशॉट मतलब ढूंढ रहे हैं कि और किसमें किसमें है। टोटल स्क्रीनशॉट इसमें जब ले लेते हैं तब आपके सामने पूरा पेज खुल जाता है कि आपके पास कौन कौन से पोस्ट है या फिर स्क्रीनशॉट्स है जिसमें लव नाम का वर्ड्स है। और इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है कि आप स्क्रीनशॉट्स में जो वर्ड्स है, मान के चलिए आपने कोई भी मतलब स्क्रीनशॉट डाउनलोड किया मतलब स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट जैसे ही लेते हो मीन्स उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो भी आपको पसंद आ जाते हैं, तो उस पर जो मतलब गूगल फोटोज में तो ये चीज़ है ही बट इस ऐप के अंदर भी है। आप उस पर उस इमेज को क्लिक कीजिए और जैसे ही आप वहाँ पर टेक्स्ट जो नीचे गोल कलर का आइकन है उस पर टैप करते हो, जैसे ही आप टैप करोगे तो वो मतलब जितने भी उसमें वर्ड्स है वो वहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। आप जिस पे जिस वर्ड पर टैप करते जाओगे वो वर्ड आपका कॉपी हो जाएगा, नीचे में लिखा जाएगा और वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो वर्ड्स कॉपी हो जाएंगे। ये ऐप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है जिनके पास बहुत सारा स्क्रीनशॉट फोन में पड़ा हुआ रहता है और जो हमेशा स्क्रीनशॉट को ढूंढते रहते हैं, मीन्स अगर 10-12 दिन बीत गया तो फिर वो स्क्रीनशॉट्स कुछ ढूंढना वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा यूजफुल ये ऐप हो जाता है। अगर आप भी भूल जाते हो कि कब किसे कॉल करना है या फिर किसे कितने बजे मैसेज का रिप्लाई करना है या फिर मैसेज करना है या फिर आपको कितने बजे फेसबुक पर पोस्ट वगैरह करना है या फिर किसे रिप्लाई करना है वगैरह वगैरह, तो हाँ ये ऐप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। व्हाट्सएप पे ये टाइमिंग से मैसेज भी चल दे देता है, डिलीवर कर देता है इजीली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। मैं पर्सनली इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया हूँ इसलिए ये ऐप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है डे टू डे लाइफ में। इस ऐप का नाम है Skidit, Skidit। तो इस ऐप का यूज ये है कि सबसे पहले आपको इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से जैसे ही आप डाउनलोड करते हो, ओपन करने के बाद इसमें लॉग इन कर लीजिए किसी भी ईमेल आईडी से, या फिर फेसबुक लॉग इन भी यहाँ पे शो करता है आप उससे भी कर सकते हो या फिर ईमेल से भी कर सकते हो या फिर फोन नंबर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लॉग इन करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे सबसे पहले व्हाट्सएप पे फोन है या फिर फेसबुक वगैरह है, व्हाट्सएप बिजनेस वगैरह है, आप इजीली किसी भी साइट पे मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैं एक करके दिखाता हूँ फोन,
जैसे कि मुझे अपने फ्रेंड को कॉल करना है तो फ्रेंड का वहाँ पे ऊपर में टेक्स्ट मतलब फोन पे क्लिक करेंगे और ऊपर में देख सकते हैं वहाँ पे टू लिखा हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक जैसे ही करोगे तो वहाँ पे आपके पास फोन नंबर्स आ जाएंगे आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने हैं, या फिर आप वहाँ पे पर्सनली फोन नंबर भी एंटर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और आप वहाँ पे नीचे देख सकते हो कि वहाँ पे टाइमिंग है, आप वहाँ पे टाइमिंग भी सेट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। आप जैसे ही वहाँ टाइमिंग सेट करते हो और आप बैक कर देते हो, आप अपने फ़ोन में कुछ भी कीजिए। मैं यहाँ पे एक 2 मिनट का टाइमिंग सेट करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, इसलिए 2 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो जैसे ही 2 मिनट पार होगा, तो जैसे ही 2 मिनट पार होगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता आप देख सकते हो वहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया, कॉल या फिर एडिट या फिर डिसमिस। आप कॉल वहीं पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहीं से कॉल लग जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा एडिट, आप चाहो तो वहाँ पे टाइमिंग चेंज कर सकते हो क्लिक करके एडिट करके। और तीसरा जो डिसमिस का ऑप्शन, मतलब वो टास्क जो आपको रिमाइंडर टास्क था वो भी खत्म हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस ऐप को यूज़ करने में। आप चाहो तो व्हाट्सएप के मैसेज भी शेड्यूल कर सकते हो, फेसबुक के पोस्ट वगैरह भी शेड्यूल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैंक। अगर आपको भी अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स या फिर बच्चों के साथ प्रैंक करना है तो यह ऐप आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। इस ऐप का नाम है रेजर प्रैंक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेजर यानी ट्रिमर, आपको बाल काटने हो तो ये ऐप आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल। बाल नहीं कटेंगे एक्चुअली, लेकिन इससे मजा बहुत ज्यादा आएगा। जैसे कि मैं आपको प्रैंक करने से पहले आपको दिखा देता हूँ इसका यूज कैसे करना है। तो आपको प्ले स्टोर से इजिली इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो वहाँ पे एक स्टार्ट का ऑप्शन आता है। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें एड्स आते हैं, इसलिए आप इसको ऑफलाइन यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा, एड्स नहीं आएंगे उसमें। तो प्ले स्टोर से ओपन कर लीजिए इसको। ओपन करते ही आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, वहां पे एक ट्रिमर का मतलब बन जाएगा ट्रिमर, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे। तो अब करना क्या है, आप इसे जैसे ही ऑन करते हो तो ट्रिमर का है जैसा ही आवाज आता है इसमें भी। आप इसको और रियलिस्टिक फील देने के लिए इसमें वाइब्रेशन ऐड कर सकते हो, जो कि आप इसके सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। तो ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिएगा तो वहां पे आप इसका सेटिंग में चले जाइएगा, वहां से आप इसके साउंड्स भी चेंज कर सकते हो। और चाहो तो आप इसमें वाइब्रेशन ऐड कर सकते हो, और चाहो तो आप इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, बस इसको ऑन कीजिए और मजे उठाइए। तो चलिए मैं प्रैंक करके दिखाता हूँ। आपको भी चेक करते जाना है कि आपने अपने फोन को कितने बार लॉक अनलॉक या फिर बहुत ज्यादा यूज किया है कि नहीं, तो ये ऐप आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ये कोई बेसिकली एक एप्लीकेशन नहीं है, ये एक वॉलपेपर है। आप जितनी बार लॉक स्क्रीन लॉक करोगे स्क्रीन या फिर लॉक खोलोगे, जब भी आप जितनी बार खोलोगे वो उतनी बार ऊपर से एक बबल टाइप का गिरता जाएगा। इसका नाम है एक्टिव बबल। ये ऑफिशियली गूगल का एप्लीकेशन है, एक मतलब वॉलपेपर ये गूगल की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें करना क्या होगा, आपको ऐप को ओपन करना होगा। ओपन करते ही वहां पे आपके पास सामने ऑप्शन आ जाएगा सेट एज वॉलपेपर के रूप में। आप इसे होम स्क्रीन में भी सेट कर सकते हो या फिर इसमें भी, लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन दोनों में सेट कर सकते हो इजीली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इससे आप काउंट कर सकते हो कि आप अगर सुबह में ये रीसेट हो जाता है और रात तक ये चलता रहता है, फिर अगले दिन रीसेट हो जाता है। आप इसे देख पाओगे कि आपने कितनी बार फोन को अनलॉक किया है, जितनी बार आप अनलॉक करोगे उतना बार वो ऊपर से गोला टाइप का गिरेगा, बबल टाइप का गिरेगा। आप इससे मतलब देख सकते हो कि आपने कितनी बार अनलॉक किया है, फोन को पूरा भर जाएगा रात भर, आप समझ सकते हो कि आपने कितना ज्यादा यूज किया है फोन को। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने तरफ से एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।